नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप जेमिनी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर कैप जेमिनी आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कैप जेमिनी, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है कैप जेमिनी के साथ एंड यू वॉन्टेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कैप जेमिनी में अप्लाई किस तरह से किया था। तो एज सच मैंने कैप जेमिनी में अप्लाई नहीं किया था, मुझे रिक्रूटर के थ्रू इसका कॉल आ गया था कि कैप जेमिनी की ड्राइव चल रही है सैटरडे संडे, तो क्या आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछी कि आप करते क्या हो, आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना होगा, नोटिस पीरियड कितना है, करंट सैलरी कितना है, ये बेसिक सारी डिटेल उन्होंने उस दौरान पूछी। तो जब सब कुछ ही सही से बैठ गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी प्रोफाइल को फर्दर प्रोसीड कर देंगे, इस सैटरडे संडे इसकी ड्राइव चल रही है तो आपका अवेलेबल रहोगे। तो मैंने अपनी अवेलेबिलिटी उनको उसी दौरान दे दी, तो मैंने कहा हाँ इस टाइम पे मैं अवेलेबल रहूंगा, तो आप कभी भी इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान मेरे चार इंटरव्यू हुए थे, जिसमें सबसे पहला राउंड था टेक्निकल डिस्कशन का, उसी दिन दूसरा राउंड हुआ मेरा दूसरा टेक्निकल डिस्कशन, तीसरा राउंड था एमकैट टेस्ट का और चौथा राउंड था एचआर डिस्कशन। तो मेजरली सिर्फ यही चार राउंड हुए थे और उसके बाद मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाता है कि आप इस प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो। अब करते कि मुझे इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीजें फेस करने को मिली, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, मैंने उन क्वेश्चन का आंसर क्या क्या दिया था, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि एक टेक्निकल राउंड था। इसमें सबसे पहले मुझे इंटरव्यूअर ने बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला कि आप करते क्या हो, आपकी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या है और आपका टेक स्टैक क्या है, उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाकर रखी है कि जब भी आपसे कोई बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसका आंसर किस तरह से देना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को रेफर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना चाहिए और मैंने भी उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। उसके बाद बात करते हैं कि फर्दर उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे पहले मैं पाइथन की बात करता हूँ। पाइथन में उन्होंने सबसे पहले डेकोरेटर के बारे में पूछा, डेकोरेटर क्या होते हैं, और उन्होंने मुझसे उसके दौरान एक प्रोग्राम भी लिखवा कर देखा कि मुझे एक डेकोरेटर बनाकर दो। तो बेसिकली जिनको डेकोरेटर के बारे में नहीं पता, तो ये आप जो स्क्रीन पर अभी स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसी में जो मैंने सब चीजें लिखी है, मैंने यही चीजें उनको भी बताई और इसके बाद मैंने यही एग्जांपल उनको वहां पे भी लिखकर दे दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि तुम इस कोड में मुझे आउटपुट रन करने से पहले ये चीज बताओ कि ये कोड किस तरह से रन करेगा। तो मैंने एक एक स्टेप पे बताया कि किस टाइम पे किसको कॉल जाएगी, क्या क्या चीजें होंगी। अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने इस वीडियो में वो सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अभी के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, देन उसके बाद ये कोड लिखकर उनको दे दिया था। उसके बाद उन्होंने पूछा वही बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टपल। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है, दैट लिस्ट इज म्यूटेबल और टपल इज इम्यूटेबल, मैंने यही चीज के बारे में उनको बताया। तो उनका अगला क्वेश्चन यही था, म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या चीजें होती। तो मैंने उनको ये चीज कही कि लिस्ट के जितने भी अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी कंपोनेंट उसके होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, व्हेयरएज टपल में ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो यही इसका बेसिक डिफरेंस होता है। तो उन्होंने उसके बाद वही कनकैटिनेट वाली प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो कनकैटिनेशन किस तरह से पॉसिबल होती है टपल में। तो मैंने वो सब चीजों के बारे में एलैबोरेट करके उनको अच्छे से बताया। तो जो भी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ये सब चीजों के बारे में उनको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। उसके बाद उनका ये क्वेश्चन था कि हम कब टपल को प्रेफर करेंगे और कब लिस्ट को प्रेफर करेंगे अपने कोड में। तो मैंने उनको ये इसका आंसर दिया था कि टपल को हम उस टाइम पे यूज किया करेंगे जब हमें पता है कि ये एक फिक्स्ड इनपुट रहेगी, इस पे किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी है जिसको हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, उस केसेस पे हम टपल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं बाकी सब केसेस में लिस्ट को ही प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हिच इज बेटर, जेंगो और फ्लास्क। तो उसका मैंने ये आंसर किया कि कोई भी बेटर या फिर कम बेटर नहीं है, दोनों अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेमवर्क्स माने जाते हैं। जस्ट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की होगी। जेंगो के बारे में मैंने उनको बताया कि जेंगो इज अ मोनोलिथिकल फ्रेमवर्क, जिसमें क्या होता है कि आपको वर्क करने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नॉलेज होनी पड़ती है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपने स्टार्ट कर दिया, आपको पता होना चाहिए manage.py फाइल किस तरह से रन कर रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से फ्लो settings.py फाइल में जा रहा है, किस तरह से फ्लो url.py फाइल में जा रहा है, देन व्यूज में, और उसके बाद मॉडल या फिर टेम्पलेट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट किया जा रहा है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में जेंगो में पता होना बनता है। लेकिन सेम चीज अगर मैं फ्लास्क की बात करूं, तो फ्लास्क एक माइक्रो फ्रेमवर्क है जिनको हम छोटे छोटे टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास कोई ग्रैंड प्रोजेक्ट आप नहीं बना रहे, आपने सिर्फ कोई स्क्रिप्ट लिखनी है जिसको आप बैकग्राउंड पर रन करना
करना चाहते हो उस टाइम पे हम फ्लास्क को प्रेफर कर सकते हैं, उस टाइम पे जेंगो को प्रेफर करने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये दोनों ही बेटर है, जस्ट डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस टाइम पे। तो मेरी एक्चुअली अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं ज्यादा प्रेफर जेंगो को करता हूँ। ऑब्वियसली मैंने इसमें ज्यादा काम किया है, मेरा ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जेंगो में है, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ इसमें ज्यादा स्क्रिप्ट लिखने के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप डिफरेंसेस के बारे में बताना चाहते हो कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था विच लाइब्रेरीज यू यूज इन पाइथन। तो मैंने सिंपल उनको बोला कि रिक्वेस्ट को यूज किया है, ओएस को यूज किया है, जेसन को यूज किया है, तो ऐसे छोटी मोटी लाइब्रेरीज के बारे में मैंने उनको बताया, लेकिन वो सुनना चाहते थे नंपाई या पांडास। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पांडास के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें पांडास के बारे में पता है। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास दो डाटा फ्रेम पड़े हैं तो उन दोनों को कंबाइन किस तरह से किया जाता है। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि किस तरह से कंबाइन करते हैं, तो मैंने उनको अपेंड वाली सिचुएशन के बारे में बताया और उसके बाद कनकैट वाली सिचुएशन के बारे में बताया। तो मैंने इन दोनों का यूज करके उनको ये कोड लिखकर दे दिया और मैंने कहा कि इन दोनों से हम इन दोनों डाटा फ्रेम को कंबाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हाउ टू रीड फाइल्स इन पाइथन। तो इसमें मैंने विद ओपन कीवर्ड का यूज किया था, ये मैंने कोड उनको लिखकर दे दिया था। लेकिन अगला ही क्वेश्चन उनका इस पर आ गया कि हम विद क्यों यूज करते हैं, अगर हमने विद को यूज नहीं किया तो क्या चीजें हो सकती है। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि अगर हम विद को यूज नहीं करेंगे तो हमें मैनुअली ये लाइन लिखनी पड़ेगी दैट अगर हमने कोई भी वहां पे फाइल ओपन कर ली देन उस फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, एफ डॉट क्लोज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम विद का यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चीज हो जाती है, हमें खुद से कुछ भी मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये मैंने उनको उस दौरान बोला। तो ये उनके पाइथन के बेसिस पे क्वेश्चन थे। देन उनका कोडिंग क्वेश्चन था एक ही जो कि था पैलिंड्रोम के बेसिस पे। उन्होंने एक स्ट्रिंग दे दी थी मुझे, उनको बोला कि इसका फाइंड करो कि वेदर दिस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, और बहुत इजी था, मैंने स्लाइसिंग की मदद से उनको ये करके दे दिया। उन्होंने कहा कोई और वे भी करके दो, तो मैंने ये वाला वे करके उनको बता दिया था कि इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कोडिंग के बेसिस पे नहीं पूछा गया। उसके बाद गिट के बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था डू यू नो अबाउट गिट या फिर GitHub। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने काम किया हुआ है। तो उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि तुमने जो जो भी कमांड्स यूज की हुई हैं गिट में, जो भी मोस्टली यूज की जाती है, उन सबके बारे में बताओ। तो इसमें मैंने जितनी भी कमांड जो मोस्टली यूज की जाती है उन सबके बारे में उनको वहां पे बता दिया। गिट इनिट क्या होता है, कब यूज किया जाता है, जब भी हम स्टैटिक कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गिट इनिट कमांड का ही यूज करते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए। देन उसके बाद होता है गिट पुल। कोई भी रिपोजिटरी से अगर हम कोड लेकर आना चाहते हैं अपने लोकल पे सेटअप करने के लिए तो हम गिट पुल कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमें चाहिए कि हमें कोई भी मास्टर से अलग ब्रांच बनानी पड़ती तो हम गिट चेकआउट का यूज करते हैं। उसके बाद मान लो कि हमने कोई चेंजेस कर दिए और उसको पुश करने से पहले हमें कुछ ऐसी कमांड्स रन करनी पड़ती ताकि हम अपने वो चेंजेस स्टेजिंग सर्वर से प्रोडक्शन सर्वर पर जाकर लेकर जा सके। तो उस केसेस में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गिट ऐड करें, गिट ऐड डॉट अगर लगाएंगे तो सारे के सारे चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर डॉट ना लगाएं उसकी जगह हम सिर्फ फाइल्स के नाम भी मेंशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया। देन उसके बाद हम किस तरह से अपने कमिट चेंजेस को कमिट कर सकते हैं, गिट कमिट हाइफन एम, देन उसके बाद कोई भी मैसेज वहां पे दे सकते हैं, इसके बारे में बताया। देन उसके बाद गिट पुश का यूज करके हम वो सारे के सारे चेंजेस को पुश कर सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे कमांड को उस दौरान वहां पे बताया। तो उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि तुमने कौन कौन से डेटाबेसिस पर काम किया या फिर तुम कौन कौन से डेटाबेस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो मैंने कहा कि RDBMS में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, MySQL या फिर PostgreSQL में मैंने ज्यादा काम किया हुआ है। तो उन्होंने PostgreSQL के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा कि पाइथन में ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम PostgreSQL को यूज करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे इस लाइब्रेरी के बारे में बता दिया, इस लाइब्रेरी को यूज करके हम PostgreSQL को यूज कर सकते हैं। देन उन्होंने अगला क्वेश्चन ये पूछा कि पाइथन में हम PostgreSQL के डेटाबेस को किस तरह से सेटअप करते हैं। तो जितने भी इसके स्टेप्स होते थे मैंने उनको वो सारे के सारे स्टेप एक एक करके एक्सप्लेन करके बताए कि यहाँ पे ये सब चीजें होती है, मैंने ये सारा का सारा वहां पे उनको बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है पाइथन में तो हो गया लेकिन अगर हम जेंगो में इसको सेट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया settings.py वाली फाइल में जाए और आपको जो डेटाबेस की सेटिंग्स दिखते हैं वहां पे आपको ये सारी की सारी डिटेल डालने की जरूरत होती है, इतना ही काम होता है जेंगो में। उसके अलावा आपको ये पाइथन के जो भी मैंने सेटअप करने के बारे में बताया है ये तो आपको सेटअप करना ही पड़ता है। देन अगला क्वेश्चन था कि क्या तुमने कभी डॉकर पर काम किया है, जेनकिंस या फिर CI/CD पाइपलाइंस के बारे में पता है। तो मेरे को मुझे जो भी उस टाइम पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इन सब टॉपिक्स के बारे में मैंने वो सब चीजों के बारे में उनको बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट AWS। तो मुझे उसके बारे में भी जो ओवरव्यू वगैरह पता था मैंने वो सब चीजों के बारे में बताया, कौन कौन सी सर्विसेज मैंने यूज की थी उन सब के बारे में वहां पे बताया। देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन पे जो मैंने ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट की थी उन्होंने उसके बारे में मुझसे पूछा कि तुमने वो ऑथेंटिकेशन किस तरह से की। तो मैंने वो सारा का सारा प्रोसेस उनको उस दौरान एक्सप्लेन किया। तो यही सब क्वेश्चन थे जो कि मुझे इस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे और इसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था।
फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाने के बाद मुझे एक घंटे के अंदर अंदर ही एचआर की तरफ से कॉल आ जाता है कि आज ड्राइव चल रही है तो आपका सेकंड राउंड भी आज ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो अब अगले राउंड की बारी थी जो कि सेकंड राउंड, उसमें भी मुझसे टेक्निकल चीजें ही पूछी गई थी। थोड़ा थोड़ा मैनेजरियल राउंड लग रहा था लेकिन मैनेजरियल प्लस टेक्निकल राउंड मिक्स होकर आया हुआ था। इसमें उन्होंने सबसे पहले मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, तो मैंने सारी की सारी अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन उनको इस दौरान दी। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि तुमने किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, उस पर आपकी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या थी, उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो मैंने सब कुछ एलैबोरेट करके उनको बताया कि किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया। मैंने उस दौरान 3 प्रोजेक्ट उनको एक्सप्लेन किए थे और सारी सारी वर्किंग बताई थी कि मेरा उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। मैंने वो सब चीजों के बारे में उनको बताया। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि तुमने कभी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस किया है अपने किसी भी एक लॉजिक को इंप्लीमेंट करते टाइम पे, जो कि तुम्हें बाद में रियलाइज हुआ हो कि यार अच्छा काम किया है मैंने, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग उस टाइम पे लग रहा था लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या तुमने कभी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है? तो जो भी मैंने रियलिटी में अपने प्रोजेक्ट में करते करते कोई चैलेंजिंग फेज अपना देखा था, तो मैंने वही सब चीजें इस इंटरव्यू के दौरान उनको एक्सप्लेन कर दी कि ये एक पर्टिकुलर टास्क था जिसमें मुझे बहुत टाइम भी लग रहा था और मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा था और कोई ऐसा नहीं था जो उस टाइम पे मेरी हेल्प भी कर सकता था, तो मुझे ये टास्क काफी ज्यादा चैलेंजिंग लगा। लेकिन हाँ, जब वो टास्क इंप्लीमेंट हो गया, जब मैंने वो टास्क कर लिया, उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि ठीक है, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था जिसको मैंने बहुत ही आसानी से कर लिया था। तो ये मेरा एक इंसिडेंट था जो कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में किया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था, हैव यू हैंडल्ड एनी टीम, आपने कभी भी किसी टीम को हैंडल किया या फिर आपके नीचे कोई जूनियर से जिनको आपने हैंडल किया है? तो जो भी मैंने रियल सिनेरियोस में वो सब काम किए हुए हैं, मैंने उन सबको उसके बारे में बताया कि हाँ, 2-3 बार ऐसे केसेस देखने को मिले कि जब मैंने जूनियर को ऐसे हैंडल किया तो किस तरह से हैंडल किया था, मैंने वो सब चीजों के बारे में भी उनको बताया। देन अगला क्वेश्चन था, हैव यू एवर डन क्लाइंट इंटरेक्शन, तो मैंने वो भी चीज बताया कि हाँ, क्लाइंट इंटरेक्शन भी मेरा रहता था, 2-3 प्रोजेक्ट पर मैंने ऐसे काम किया हुआ जिसमें मुझे डायरेक्टली क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती थी, तो मैंने उन सब सिचुएशंस को उनको वहां पे बताया। तो उनका अगला क्वेश्चन था कि अजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में तुम्हें पता है या नहीं, तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता है किस तरह से फॉलो की जाती है। देन उसके बाद उन्होंने स्क्रम मीटिंग्स या फिर स्प्रिंट के बारे में पूछा कि ये सब चीजें क्या होती हैं, किस तरह से तुम इन सब सिचुएशन को डील करते हो, तो मैंने वो सब चीजों के बारे में उनको बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि यू आर द स्क्रम मास्टर और नॉट, या फिर कोई और तुम्हें टास्क असाइन करता है, तो उन्होंने उस दौरान वो सब चीजें मुझे पूछी और जो भी मेरे रियलिटी में एक्सपीरियंसेस रहे थे किसी भी कंपनी में, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में इस इंटरव्यू के दौरान बताया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे इस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे और मैं इस इंटरव्यू से भी शॉर्टलिस्ट हो गया था। और अब बारी थी थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में, तो अब बात करते हैं थर्ड राउंड की जो कि एमकैट पर बेस्ड था। एमकैट में उन्होंने एक टेस्ट भेजा हुआ था जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की चेकिंग चल रही थी कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंसेस दिए हुए थे, आपको पता करना था कि फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा या फिर आप इनको अरेंज करके किस तरह से कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनियम क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान एमकैट के टेस्ट में पूछे थे। तो एमकैट का राउंड क्लियर करने के बाद अब बारी थी फोर्थ राउंड की जो कि था एचआर डिस्कशन। मुझे 2-3 दिनों के बाद ही कॉल आ जाती है कि तुमने सारे के सारे राउंड क्लियर कर लिए हैं। और अब बारी थी एचआर डिस्कशन की। एचआर डिस्कशन मेनली फोकस किया गया था सैलरी डिस्कशन पे कि तुम कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी चाहते हो या फिर जो भी सैलरी प्रॉपर थी, इसमें प्रॉपर डिस्कशन चली थी। नेगोशिएशन जितनी भी थे वो सारी की सारी चली कि कितने आपके पास ऑफर लेटर है, कितना वो ऑफर कर सकते हैं, आप कितने पे आने चाहते हो, ये सब चीजों के बारे में उन्होंने इस दौरान डिस्कशन की और एंड में मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा काम या फिर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।